जय माता दी मित्रों, स्वागत है आप लोगों का पुनः एक बार आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो टुडे में। और मैं पंडित बीएन शास्त्री, और आज हम बात करने वाले हैं शुक्रदेव का राशि परिवर्तन, यानी शुक्रदेव मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, और इस राशि परिवर्तन से 12 राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, यानी मेष से मीन राशि तक क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, किन किन इस जो राशि परिवर्तन से आपके किस किस क्षेत्रों में आपको अच्छे और लाभकारी फल प्राप्त होंगे, और किन क्षेत्रों में आपको सफलता या मैं कहूँ संभल कर आपको चलने की आवश्यकता है, तो उसके बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो भौतिक सुख सुविधाओं, यानी कि आपकी जो सुख सुविधाएँ हैं, आपकी लग्जरी लाइफ है, उसके जो कारक ग्रह शुक्रदेव वो 21 फरवरी सुबह 2:15 पर मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में, क्योंकि शुक्रदेव कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो कुंभ राशि वालों को शुभ परिणामों की प्राप्ति भी होने वाली है। और क्योंकि शुक्रदेव जो कि हमारे भौतिक सुख सुविधाओं के कारक ग्रह हैं, जिनको हम लग्जरी लाइफ का, सुख सुविधाओं का, साथ ही साथ आपके जीवन में धन का कारक ग्रह मानते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर शुक्रदेव आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो आपको इन चीज़ों की प्राप्ति कराते हैं, धन धान्य आपको कर देते हैं, लग्जरी लाइफ आप जी सकते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं की आपको असीमित प्राप्ति कराते हैं। और शुक्रदेव अगर आपकी कुंडली में खराब हैं, स्थिति मजबूत नहीं है, तो ये सभी चीज़ें आपसे छीन भी लेते हैं। तो अगर इसके बारे में आपको जानना है कि आपकी कुंडली में शुक्रदेव की स्थिति कैसी है, तो आप अपनी डिटेल हमारे दिए गए नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आपकी कुंडली में विशेष रूप से आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपके डेट ऑफ बर्थ, नाम, आपके टाइम ऑफ बर्थ और बर्थ प्लेस के आधार पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करके हम आपके बारे में, आपको शुक्र की स्थिति के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। चलिए तो बात करते हैं शुक्रदेव। देखिए, शुक्रदेव के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्योंकि ये अच्छे ग्रह माने जाते हैं हमारी कुंडली में, अच्छे ग्रह के अवधि उपाधि इनको प्राप्त है, तो ऐसी स्थिति में शुक्रदेव जो हैं वृषभ और तुला राशि के स्वामी हैं। साथ ही साथ शुक्रदेव कन्या राशि में नीच के और मीन राशि में ऊंच के माने जाते हैं। और शुक्रदेव अगर अच्छे हैं तो मैंने आपको बताया आपको किन किन चीज़ों में लाभ कराते हैं। तो अगर हम बात करें शुक्रदेव के राशि परिवर्तन के कारण, यानी शुक्रदेव जब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे 21 फरवरी को, तो उससे 12 राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहली राशि मेष राशि के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो मेष राशि वाले जातकों को नौकरी और व्यापार में उन्नति प्राप्त होगी, नौकरी में और व्यापार में धन की प्राप्ति आपको अच्छी होगी, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, धन की स्थिति आपकी मजबूत होगी, विवाह या मैं कहूँ शादीशुदा जीवन की आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। शादीशुदा जीवन में जो भी समस्याएं या विवाह सुख में अगर कोई अड़चनें हैं तो वो भी आपकी समाप्त हो जाएंगी। इसके साथ साथ रुके हुए काम भी आपके पूरे हो जाएंगे, यानी मेष राशि वालों को शुक्र का राशि परिवर्तन अच्छे और लाभकारी परिणाम लेकर आया है। अगर हम वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि वालों के लिए जो राशि परिवर्तन है, शुक्र का कुंभ राशि में परिवर्तन है, ऐसे में आपको कार्य क्षेत्रों में आ रही बाधाओं से आपको मुक्ति मिलेगी। जो भी आपके व्यापार में या नौकरी में बाधाएं थी उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी, वो सभी बाधाएं आपकी इस समय अंतराल में समाप्त हो जाएंगी। साथ ही साथ संतान के अच्छे योग आपके बन रहे हैं, संतान की प्राप्ति के आपके योग बन रहे हैं, और छात्रों के लिए ये जो समय है वो काफ़ी अच्छे परिणाम लेकर आया है। मेहनत जरूर आपको करनी है, उसके अलावा आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति शुक्रदेव कराकर ही रहेंगे वृषभ राशि वाले के जो छात्र हैं। और आपको आपके धर्म और कर्म दोनों ही कार्यों में आपकी रुचि इस समय अंतराल में बढ़ जाएगी। अगर हम मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि वालों के स्वास्थ्य पर विपरीत परिणाम या विपरीत प्रभाव जरूर डाल रहे हैं ये शुक्र का राशि परिवर्तन, इसीलिए आप अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान जरूर रखें। इसके अलावा और सभी क्षेत्रों में अच्छे परिणाम है, जैसे कि आपके कार्य क्षेत्र में आपको अच्छे परिणाम मिल रहे हैं, पर दूसरी तरफ आपके कार्य क्षेत्र में षड्यंत्र आपके खिलाफ कोई बनाया जा सकता है, आपके चाहे सहकर्मी हो या उच्च अधिकारी हो, वो आपके खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र बना सकते हैं, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। समाज में आपको पद आपका अच्छा रहने वाला है, समाज में आपको मान सम्मान अच्छा रहने वाला है, और धन की स्थिति भी आपकी मजबूत या आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत नजर आ रही है, जो कि मिथुन राशि वालों के लिए है। अगर कर्क राशि की हम बात करें तो शुक्र का कुंभ राशि में प्रवेश होने के कारण कर्क राशि वालों को नौकरी और व्यापार में उन्नति प्राप्त होने वाली है, नौकरी और व्यापार में अच्छे फलों की प्राप्ति आपको प्राप्त होगी, सरकारी कामकाज आपके संपन्न हो जाएंगे, अगर कोई रुकावटें थी सरकारी कामकाज में वो आपके संपन्न हो जाएंगे, कोर्ट कचहरी के मामले में आपको सफलता मिलेगी, साथ ही साथ विवाह संबंधित अगर कोई समस्या है तो
तो वो भी आपको समाप्त हो जाएंगी या उससे भी आपको निजात मिल जाएगी। अगर आपकी मैरिड लाइफ में कोई समस्या है या विवाह सुख आपको नहीं मिल पा रहा है या शादी आपकी नहीं हो पा रही, अटकने आ रही है बार बार, तो वो भी आपकी समाप्त हो जाएंगी। अगर हम सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि वालों को गुप्त शत्रुओं से सावधान जरूर रहना है, क्योंकि इस समय आपके गुप्त जो शत्रु हैं उनमें वृद्धि होगी। गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। आलस आपको दूर करने की सलाह दूंगा। आपके जो आलस है, आपका स्वभाव है जो आलस का, उसको आप इस समय जरूर दूर रखें, अन्यथा आपको अच्छे फलों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि शुक्र आपके लिए अच्छे फलों की प्राप्ति लेकर आया है। पर अगर आप अपना आलस दूर नहीं करते हैं तो आपको अच्छे फलों की प्राप्ति नहीं होगी। इसके साथ साथ समाज के लोगों के बीच में आपको मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी और स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहने वाला है। अगर हम कन्या राशि की बात करें तो संतान प्राप्ति के आपके योग बन रहे हैं, आपकी संतान अच्छी होने वाली है। साथ ही साथ अगर आपके पास संतान नहीं है, काफ़ी समय से आप परेशान हैं, तो वो समस्या भी आपकी इस समय समाप्त हो जाएगी। इसके साथ साथ जो कन्या राशि वाले हैं उनके आपको आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। आप घरेलू सामान जैसे फ्रिज है, गाड़ी है, मकान है, आप दुकान है या एसी है, टीवी है, इन भौतिक सुख सुविधाओं में आपके वृद्धि होगी। आप ये खरीद सकते हैं, अच्छा समय आपके पास। धन प्राप्ति के योग भी आपके अच्छे बन रहे हैं, धन की स्थिति भी आपकी मजबूत नजर आ रही है और नौकरी प्राप्ति के योग भी आपके कहीं ना कहीं इस समय बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर तुला राशि की हम बात करें तो शुक्र के कुंभ राशि में गोचर होने के कारण तुला राशि वालों को अच्छे परिणाम लेकर आया है, पर आपको परिवार में कहीं ना कहीं कलह क्लेश आपके बन सकता है। परिवार की स्थिति उतनी अच्छी मजबूत आपकी नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा मित्रों और सगे संबंधियों की तरफ से आपको कोई ना कोई अशुभ समाचार मिल सकता है, अप्रिय समाचार आपको मिल सकता है, इसका आप जरूर ध्यान रखें। वाहन खरीदने के लिए अगर आप विचार कर रहे हैं तो वाहन खरीदने के लिए ये आपके लिए अति उत्तम समय रहने वाला है, और वाहन खरीदने की अगर प्लानिंग है आपकी तो वो भी इस समय आपकी संपूर्ण हो जाएगी। इसके साथ महिला वर्ग की जो है, यानी तुला राशि की जो भी महिलाएं हैं उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। यानी कुल मिलाकर जो तुला राशि वाली महिलाएं हैं, सबसे अच्छा समय उनके लिए ये जो समय रहने वाला है, ये जो शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है, वो महिला वर्ग के लिए अच्छा रहने वाला है। अगर हम वृश्चिक राशि पर बात करें तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन, मेहनत के बावजूद अच्छे परिणाम आपको सफलता नहीं मिलने वाली है, अच्छे परिणामों की आपको प्राप्ति नहीं होने वाली। मेहनत तो आप बहुत करेंगे पर अच्छे परिणाम आपको नहीं मिल पाएंगे इस समय में। साथ ही साथ भाई बहनों के साथ परिवार में आपके कोई ना कोई वाद विवाद हो सकता है, भाई बहनों के साथ आपके लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। इसके साथ साथ व्यर्थ के विवादों में आप ना पड़ें, किसी के वाद विवाद में आप ना पड़ें, कोशिश करें जितना हो सके आप वाद विवाद से दूर रहें, किसी भी प्रकार की अनचाहे वाद विवाद में आप ना पड़ें, अन्यथा आपको काफ़ी हानि भी हो सकती है। अगर धनु राशि की हम बात करें तो शुक्र के राशि परिवर्तन होने के कारण धनु राशि वालों को जो उनके जीवन में है या उनके व्यापार या कार्यों में अच्छे वृद्धि होने वाली है, कार्य और व्यापार दोनों में ही वृद्धि अच्छी होने वाली है, लाभ की स्थिति मजबूत नजर आ रही है। साथ ही साथ अत्यधिक खर्चा आपका बढ़ सकता है और इस अत्यधिक खर्चा बढ़ने के कारण आपके मन में या आपके दिमाग में टेंशन रह सकती है, तो इसे आप ना बढ़ने दें, हो सके कंट्रोल रखें, अन्यथा आपके दिमाग में टेंशन बढ़ सकती है, दिमागी रूप से आप असंतुष्ट रह सकते हैं। इसके साथ साथ खान पान का विशेष ध्यान रखें, खान पान से जुड़ी कोई समस्या आपको बन सकती है तो विशेष रूप से आप ध्यान रखें। रुका हुआ कार्य या रुका हुआ धन आपका प्राप्त आपको इस समय में हो जाएगा, या रुके हुए कार्य आपके जो हैं वो भी आपके समाप्त हो जाएंगे, और वाहन खरीदने के योग भी इस समय आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम मकर राशि की बात करें तो मकर राशि वालों के लिए नए व्यापार के योग आपके बन रहे हैं, नए व्यापार का आप स्टार्टअप कर सकते हैं, नए व्यापार के लिए आप प्लानिंग भी कर सकते हैं। नौकरी में भी आपको थोड़ा सा नौकरी को लेकर विलंब करना पड़ सकता है, क्योंकि नौकरी के योग आपके नहीं बन रहे हैं अभी मकर राशि वालों के, अभी नौकरी में थोड़ा समय जरूर है आपको, अन्यथा जो लोग पहले से नौकरी में हैं उनको पदोन्नति के योग भी आपके बन रहे हैं, पद प्रमोशन के योग बन रहे हैं। यानी नई नौकरी अभी नहीं मिल पाएगी, पर अगर आप पहले से नौकरी में विराजमान हैं तो आपके लिए पदोन्नति पद प्रमोशन आपका हो जाएगा। साथ ही साथ सरकारी कार्यों में आपके पूर्ण हो जाएंगे, सरकार से जुड़े अगर आपके कोई कार्य हैं, गवर्नमेंट से जुड़े कोई काम है, तो वो आपके इस समय में पूरे हो जाएंगे।
अगर हम कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि वालों को धन की जो स्थिति है, आपकी धन अधिक खर्चा आपका बढ़ सकता है, आर्थिक स्थिति आपकी कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रही है, साथ ही साथ कार्यों में रुकावटें आपके आ सकती हैं, कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं, और इस समय अंतराल में आपकी बाईं आंख में कोई ना कोई समस्या भी बन सकती है, जिसका आप विशेष ध्यान रखें। अगर मीन राशि की हम बात करें तो मीन राशि वालों के लिए आय का समय है, ये कमाने का समय, एक तरह से आपको अच्छा धन प्राप्त हो सकता है, पर आपको कमाने के लिए उठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा और मेहनत भी करनी पड़ेगी, उसके विपरीत आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। और रुका हुआ धन आपको इस समय में प्राप्त होने जा रहा है, कोई पैसा फंसा हुआ है, रुका हुआ है, वो भी आपको इस समय में मिल जाएगा। और गुप्त शत्रुओं से थोड़ा सा आपको सावधान रहने की मैं सलाह जरूर दूंगा, क्योंकि इस समय आपके गुप्त जो शत्रु हैं वो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई समस्या भी दे सकते हैं। और इसके विपरीत सबसे बड़ी जो अच्छी बात है वो मीन राशि वालों के लोगों के लिए कि अगर आपके पास नौकरी नहीं थी तो इस समय आपको नई नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी, नौकरी परिवर्तन के योग भी आपके बन रहे हैं, तो चाहे आप अगर चाहते हैं तो नौकरी परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो ये शुक्र का राशि परिवर्तन है जो कि 21 फरवरी को होने जा रहा है, शुक्र अपनी मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। इसके अलावा अगर आपके कोई अपने प्रश्न है, आपको अपनी कुंडली के बारे में जानना है, तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पर अपनी डिटेल हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, जय माता दी मित्रों।